जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसके उसको बताती हूँ, तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। जी बताएं। मनु जी वैसे के बीच बीच में काफी मेडिटेशन आके मनु का बहुत ध्यान लगा रही थी, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैथ से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब देखो जब ऋषि मुनि तप करते थे वनु में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है, तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूंगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो अपने आप पे फोकस रखो, दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैच सीज में मनु के लिए। जी जी ज्यादा बढ़ गई है तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे। क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी, तो आज मैंने कहा कि भगवान आप आज की आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिले तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुंचा है उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की, भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मत चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मत चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तप कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत जरूरी है दोनों बच्चों के लिए। मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति, और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची देखने के पीछे का क्या रीजन मानती है? मैं ये रीजन मानती हूँ कि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस रखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा एकाग्रता, मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के बहुत काम आती है। इसलिए मैं शोर शराबे से बिल्कुल शांत माहौल में बैठना पसंद करती हूँ, तो मुझे टीवी चला के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेस मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेज आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को, मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊं तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा, आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे इतना मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से, शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं बार बार निकल रहे हैं। जी मैंने गीता पढ़ी है तो मनु ने गीता भी शुरू किया। सबसे पूछेंगे कि मनु के लिए क्या करना चाहिए हमें, बट मनु की
फोन अभी भी बंद है तो मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे माफ करना कि आप लोग किसी का भी फोन नहीं ले पाए। मैं वो बंद था, टीवी और फोन बंद था। अभी ऑन करेंगे। अगर बात होगी तो मनु से पहली बात क्या करेगा सर? उसके बाद मनु को कहेंगे, मनु तेरे नाम का पराठा मम्मी ने बनाया, वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फोन आया, तो मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। तो मोदी जी को ये कहूंगा, आप इससे पहले क्या एकदम वो इन जनरल में ना कि बहुत सारे फोन और क्यूरी और बातें आती हैं, तो बातचीत करने करने में किसी का फोन लिया जाता है, किसी का नहीं लिया जाता है। तो बहुत चाहने वाले लोग हैं ना, ये सोच जाते हैं यार मेरा तो फोन लिया नहीं, और मैं तो उनका इतना अच्छा मित्र हूँ, तो बंद ही कर देते हैं। भगवान से कोई दुआ मांगी थी सर, कुछ ऐसा किया था कि जो इस बार आपका? हाँ हाँ भाई, 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, तो हमने भगवान को कहा था कि परीक्षा, कुंभ का मेला भी 12 साल में आ जाता है, तो इतनी परीक्षा ना लो बच्चों की, और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब ये ऐसा करने वाली, हाँ वो भी अभी आपसे पता चला कि मनु ने इतिहास रचा है, उसके लिए भी मनु को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और पूरे देशवासियों को भी, कि इस तरह जैसे मनु ने किया आगे आने वाले टाइम में और बच्चे भी करें। अच्छा सर, जब मैच शुरू आज की नहीं, कल मनु से बात किया था शाम को 9 बजे, उसके बाद हम दोनों का फोन बंद है। तो 9 बजे क्या बात है? अभी तो बताया था तेरा पराठा बनाया था, खा लिया। दिखाई अपनी कड़ी मेहनत का सामने, तो दुनिया के सामने एक पेस मिसाल कायम करती है कि मेहनत कभी भी निष्फल नहीं होती है, तो मेहनत का फल मीठा होता रहा। आज मनु और सरोजनी करके दिखा दिया उन सब जी। ये मेरे को करना पड़ेगा। मेरी पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे दोनों देखेंगे, मेरी शक्ल सूरत सही होगी ना? हाँ, क्योंकि वो देखेंगे मम्मी बीमार होगी तो फिर वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं पहले आपको इसलिए बताती हूँ, आज पता है कितना तप किया है आज मेरी डायरी में, पढ़ना कितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी, आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जी, पहली बार मैं